क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, माई एज और ग्रैंडफादर, तो एगो में क्या हो जाएगा, एगो इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं और ग्रैंडफादर की 9x, तो 16 ईयर्स कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 16, और इधर हो जाएगा 9x प्लस 16, 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स कितना हो जाएगा, 8 ईयर्स यहाँ लिख देते हैं, आफ्टर 8 ईयर एक्स प्लस 24 इंटू 3 इक्वल्स टू 9x प्लस 24, इसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 8 आ जाएगी, फिर से माई का 8 प्लस 16 हो जाएगा ये, और ये कितना 9x प्लस 16 है, तो ये 9 इंटू 18 8 प्लस 16 यानी क्या आ जाएगा, ये कितना, ये 88 आ जाएगा, और 8 ईयर्स अगो, 8 ईयर्स अगो कितना, ये कितना आ जाएगा 24, 8 ईयर्स अगो क्या होता है 24 माइनस 8, यहाँ पर 88 माइनस 8 यानी 24 माइनस 8 कितना 16, और इधर आ जाएगा कितना 80, यानी कि फाइनल रेशियो कितना 1:5 का, 1:5 का रेशियो है।